क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। और कोविड के टाइम पे काफी सारे लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, गूगल टास्क मेट। तो चलो यार बात करते हैं गूगल की तरफ से इसी टास्क मेट ऐप के बारे में। Awesome guys, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। यह गूगल ने कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च किया है, गूगल टास्क मेट, और ये गूगल का ऑफिशियल ऐप है। यहाँ पे कोई भी ऐसा गड़बड़ सड़बड़ वाला काम नहीं है, ये गूगल का एक खुद का ऐप है जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि ये जो टास्क मेट ऐप है वो काफ़ी कम कंट्रीज में अवेलेबल है, और उन देशों में एक कंट्री इंडिया भी है। जी हाँ, यहाँ पे एक तरफ सोनी प्लेस्टेशन 5 लॉन्च नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ गूगल का ये ऐप एक्सक्लूसिवली इंडिया में चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो ऐप है वो एक प्योर गूगल की तरफ से ऐप निकल के आता है जहाँ पे आप कुछ काम करके अर्निंग कर सकते हो, यानी कि घर बैठे आप इस ऐप में कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिसकी वजह से आप अर्निंग कर सकते हो। इस ऐप का जो पूरा वर्किंग है वो इस तरीके से है कि इस ऐप में जो यूज़र टास्क कर कंप्लीट करता है या फिर काम करता है उसे कहते हैं टास्कर्स, और जो यूज़र्स आपके लिए काम असाइन करते हैं यानी कि आपके लिए कोई भी टास्क क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं रिक्वेस्टर्स। तो यहाँ पे इस ऐप में रिक्वेस्टर्स आपको काम असाइन करते हैं और टास्कर्स उस काम को करते हैं या फिर उस टास्क को करते हैं, और उस टास्क को करने पर आपको अर्निंग होती है। अब क्योंकि गूगल का ये एक ऑफिशियल ऐप है तो यहाँ पे काफ़ी सीरियस तरीके से अर्निंग होगा। अगर पैसे कमाने के कैपेबल हो तभी इस ऐप को डाउनलोड करना, यहाँ पे मजाक वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सीरियस तरीके से पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं और इस ऐप में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन रुको, इस ऐप में एक ट्विस्ट है जिसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट पता चलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलो बात करते हैं इस ऐप में आप किस किस तरीके के काम करके अर्निंग कर सकते हो। अब पैसे कमाना है तो क्या काम करना है ये तो जानना जरूरी है। सबसे पहला जो काम इसमें आप कर सकते हो है ट्रांसक्राइबिंग, जिसका मतलब है कि आपको एक ऑडियो दे दिया जाएगा और उस ऑडियो में जो बोला जाएगा उसे आपको टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप करना है और सेंड कर देना है। तो ये एक काम आप कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाएगा और उस टेक्स्ट को आपको बोल के उसे टेक्स्ट साउंड में ट्रांसलेट करना है, यानी कि ऑडियो में ट्रांसलेट करना है और उस ऑडियो को सेंड कर देना है, और ये एक काम हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट ट्रांसलेशन का भी टास्क कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट ट्रांसलेशन वाले काम भी कर सकते हो। आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा उसे आपको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है या फिर ट्रांसलेट करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये सब टास्क तो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसे टास्क भी हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक टास्क है कि आपको अलग अलग शॉप्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर अलग अलग लोकेशन का फोटो खींच खींच के सेंड करना है, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। कोई भी शॉप का आप इमेज लेके उसे सेंड कर दो और कुछ अमाउंट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टास्क काफ़ी सारे मिलते रहेंगे तो टास्क की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और आप टास्क कंप्लीट कर करके अर्निंग कर सकते हो। अब बात करें अगर यहाँ पे अर्निंग की, तो अर्निंग काफ़ी डिसेंट सा होता है, यानी कि एकदम ज़्यादा भी अर्निंग नहीं होता है और एकदम कम भी अर्निंग नहीं होता है, तो पैसे का जो वैल्यू है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो ट्रांसक्राइबिंग वाले 10 टास्क आप करते हो, यानी कि आप 10 अलग अलग ट्रांसक्राइबिंग वाले काम करते हो, तो 10 टास्क कंप्लीट करने पे आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा जब आप 10 ट्रांसक्राइबिंग वाले टास्क करते हो, और यहाँ पे टास्क की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा टास्क करोगे उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होगा, और एक सर्टेन अमाउंट अर्न करने के बाद, यानी कि जब आपको लगे कि इतना अमाउंट काफ़ी है मेरे लिए, तो फिर आप अपनी अर्निंग को अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि बैंक, पेटीएम, UPI, यानी कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाले मेथड्स हैं उसमें आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो स्क्रीन में आप देख सकते हो कि अलग अलग काम के लिए आपको कितना अर्निंग होगा और कितना अमाउंट आपको मिलेगा जब आप ये सब कुछ काम करते हो। तो यार यहाँ पे टास्क की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टास्क आपको देगा वो होगा रिक्वेस्टर, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्टर है यानी कि जो टास्क आपको असाइन करेगा या फिर जो टास्क क्रिएट करेगा वो यहाँ पे टास्क लाता जाएगा, और टास्कर्स यानी कि आप टास्क को कंप्लीट कर करके काम कर करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि एकदम ज़्यादा अमाउंट अर्निंग होता है, एक काफ़ी अच्छा डिसेंट सा अर्निंग होता है और आपको काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे अगर आपको अच्छी खासी अर्निंग करनी है। अब प्ले स्टोर में ये ऐप तो अवेलेबल है, लेकिन ये अभी एक टेस्टिंग स्टेज पे है, यानी कि प्ले स्टोर में जो ऐप है वो एक बीटा वर्जन है, अभी ये एक फुल फ्लेश तरीके से बाहर नहीं आया है, जो कि जल्दी बाहर आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये काफ़ी कम ही लोगों तक लिमिटेड है। और जो ट्विस्ट के बारे में अभी बात कर रहा था वो ये है कि अभी इस ऐप में काफ़ी कम ही लोगों को एंट्री मिल रही है, यानी कि इस ऐप को अगर डाउनलोड करते हो तो आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अगर आपके पास रेफरल कोड है तभी इस ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के यहाँ पे एंट्री नहीं है, यहाँ पे आप साइन इन नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली यार आपके पास शायद ही रेफरल कोड होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम ही लोगों के पास रेफरल कोड है, और हर पर्सन यानी कि हर एक यूज़र सिर्फ 3 लोगों को अपना रेफरल कोड शेयर कर सकता है अभी के हिसाब से। तो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड यूज़र्स ही इस ऐप में हैं फिलहाल। अभी गूगल इस ऐप को काफ़ी कम यूज़र्स की मदद से टेस्टिंग कर रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे मेरे को खुद को रेफरल कोड अभी नहीं मिला है इस ऐप का। और यहाँ पे काफ़ी कम चांसेस है कि आपको एक रेफरल कोड मिलेगा, और गूगल में जाके सर्च करते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूज़र अब 3 लोगों को ही रेफरल कोड शेयर कर सकता है, यानी कि एक रेफरल कोड सिर्फ 3 बार यूज़ हो सकता है अभी के टाइम पे। और अगर गूगल में रेफरल कोड सर्च करते हो तो कोड्स तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी कम ही ऐसे कोड होंगे जो कि काम करेंगे रियल में। अब तो अभी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी टेस्टिंग मोड में है, आगे जाके जो गूगल है वो इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, और बिना रेफरल कोड के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो वेट करो या फिर रेफरल कोड सर्च करते रहो। यार एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अब अगर आपको रेफरल कोड चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करोगे तो एक आर्टिकल ओपन होगा। अब उस आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। अब उस गूगल फॉर्म में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डाल देना। अब अपना मेन वाला ईमेल आईडी मत डालना, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अपना कोई स्पेयर ईमेल आईडी डाल देना। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके ईमेल आईडी में एक रेफरल कोड आ सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कन्फर्म आ ही जाएगा, आ सकता है, क्योंकि इस आर्टिकल के पब्लिशर ने ये कहा है कि उनके पास जितने भी रेफरल कोड्स आते जाएंगे वो आपको ईमेल आईडी में सेंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर रेफरल कोड जल्दी चाहिए तो ये वाला एक ऑप्शन ट्राई करो, वरना अगर ये सब चीज़ नहीं करना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, इंतज़ार की घड़ी दूर नहीं है, जल्दी ये ऐप सभी के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो चेन है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि जितने धीरे धीरे यूजर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा रेफरल कोड जनरेट होता जाएगा। अब जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में इस ऐप में 10 यूज़र थे, तो वो 10 यूज़र अपने रेफरल कोड को 3 बार शेयर करेंगे, और सिर्फ 3 ही बार अभी आप शेयर कर सकते हो। तो काफ़ी लिमिटेड रेफरल कोड हैं, आप भी ट्राई करो, और अगर किस्मत चमका तो एक रेफरल कोड मिल जाएगा, और उस रेफरल कोड की मदद से आप इस ऐप में एंटर कर सकते हो और काम करके टास्क कंप्लीट करके पैसे कमा सकते हो। तो अभी के टाइम पे इस ऐप का ये कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी पक्का नहीं है कि आपको रेफरल कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो कितना काम करेगा कि नहीं, वो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो कोशिश करो, अगर रेफरल कोड चाहिए तो ढूंढते रहो, और ये क्या होता है कि रोज़ाना मतलब रिफ्रेश होता रहता है, नए नए रेफरल कोड्स आते रहते हैं। जैसे कि नए नए यूज़र्स आते जाएंगे तो रेफरल कोड बनते जाएंगे और नए नए रेफरल कोड्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रेफरल कोड नहीं मिलेगा, मिल सकता है, आप बस कोशिश करते रहो। तो इतना ही इस वीडियो के लिए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।